नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पतंजलि दिव्या यौवनामृत वटी के क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को इसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए या फिर इसे लेने से पहले क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, दिव्या यौवनामृत वटी को मुख्य रूप से पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स पाई जाती हैं जो कि मेल्स के लिए बहुत अच्छी मानी गई हैं। ये सारी हर्ब्स मेल्स के बॉडी ऑर्गन्स की और बॉडी की कार्यक्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती हैं और साथ में इसमें पाई जाने वाली हर्ब्स मेल्स की बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में काफ़ी मदद करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी अच्छे तरीके से काम कर पाती है। अब हम जानेंगे इसमें किस तरह की हर्ब्स का प्रयोग किया गया है और किस तरह से वो सारी हर्ब्स मेल्स की बॉडी को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली पहली हर्ब का नाम है अश्वगंधा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अश्वगंधा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। दोस्तों, अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है। यहाँ पे एडेप्टोजेनिक का मतलब है कि अश्वगंधा हमारी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को काफ़ी कम कर देता है और स्ट्रेस लेवल को कम करने की वजह से ये बॉडी की कार्यक्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है। दोस्तों, दिव्या यौवनामृत वटी में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी हर्ब का नाम है कौंच के बीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी रामदेव कौंच के बीजों को पुरुषों के लिए बहुत ही अच्छा बताते हैं और पतंजलि में हुए काफ़ी सारे अनुसंधानों में कौंच के बीजों का प्रयोग काफ़ी अच्छा माना गया है। खराब लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, शराब का अधिक सेवन की वजह से पुरुषों में आई किसी भी तरह की वीकनेस को ख़त्म करने में काफ़ी सहायक होते हैं कौंच के बीज। कौंच के बीज पुरुषों के हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करते हैं और इस तरह से उनके स्टेमिना को भी काफ़ी इंक्रीज करते हैं। यौवनामृत वटी में इस्तेमाल की गई तीसरी हर्ब का नाम है बाला। कौंच के बीज और बाला दोनों ही इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ की जाने वाली हर्ब्स हैं और इस तरह से ये मेल्स की काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान करती हैं। यौवनामृत वटी में यूज़ की जाने वाली चौथी हर्ब का नाम है शतावरी। शतावरी हर्ब्स मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए ही बहुत अच्छी मानी गई है। इस हर्ब का इस्तेमाल बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। जिस तरह से फीमेल्स की हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या का लक्षण PCOS जैसा डिसऑर्डर है, उसी तरह से मेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस का लक्षण स्ट्रेस है। इसीलिए यौवनामृत वटी में इस तरह की हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि एडेप्टोजेनिक हो और आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकें, क्योंकि सभी बीमारियों की शुरुआत स्ट्रेस से ही होती है। स्ट्रेस और बॉडी की कार्यक्षमता आपस में काफ़ी अधिक इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए बॉडी की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी होता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली पांचवी हर्ब का नाम है जावित्री, यानी कि जायफल। ये हर्ब मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करने में काफ़ी सहायक होती है। इसके अलावा इसमें अकरकरा, कुचला हर्ब और शिलाजीत भी पाई जाती हैं। ये सभी हर्ब बॉडी से टॉक्सिन्स को ख़त्म करने में काफ़ी सहायक होती हैं और ये सभी हर्ब मेल्स के हॉर्मोन्स पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो ओवरऑल दिव्या यौवनामृत वटी मेल्स की शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करने में काफ़ी सहायक होती है। अब हम जान लेते हैं कि इसे लेने की सही विधि क्या है। दोस्तों, आप इसकी एक गोली सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि इसका प्रयोग डॉक्टर की सलाह के बिना ना कीजिए। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को काफ़ी अधिक एसिडिटी की समस्या हो या फिर पेट में काफ़ी अधिक गैस बनती हो, उन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को फैटी लिवर या किसी भी तरह के लिवर की समस्या हो, उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के केसेस में भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से ही डायबिटीज़ या फिर हार्ट के लिए कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो ये उसके साथ में रिएक्ट कर सकती है। अन्य मेडिसिन के साथ में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल रिव्यू दिव्या यौवनामृत वटी का। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए। तो तब तक दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।